माननीय मुख्यमंत्री जी का समारोह में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हेलो, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मुख्य अतिथि महोदय से बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है कि आज बाबा सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में रामचंद्र बोहरा साहब के 125वें जयंती समारोह में शहर के अंदर अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। कल भी सरकार की तरफ से कार्यक्रम है, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी कार्यक्रम है और दिन में जयपुर में भी है। इतने जिला रोलन साहब जो हमारी संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती वसुंधरा राजे जी को फूल बुक्का देकर उनका स्वागत करें और मैं उन्हें एक संयोजक होने के नाते मोमेंटो भेंट करूंगा। और जितेंद्र गोठवाल साहब जिन्होंने हमारे लिए तरीका काम किया, श्रीमती गुलाबो जी से, पद्मश्री गुलाबो से, कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात और बताना चाहता हूं, जो आपका अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा पद्मश्री गुलाबों को सम्मानित करें फूल बुक्का देकर, बॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर। हमारे अतिथिगण साथ देंगे। साथियों, जोरदार नारे लगाए जाए, तालियां बजाई जाए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे हैं, हमारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मैडम, गुलाबो जी हमारे समाज की नाक हैं और आपने देश में ही नहीं विदेश में भी राजस्थान का नाम किया है और अब तक लंबे संघर्ष के बाद वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आप सबको क्या इस 125वें जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष में हम कोई कोई ऐसा संकेत दें कि हम हमारे समाज के ऐसी लड़की को समझे। मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने 19 लड़कियों की शादी रुकवाई, बाल विवाह रुकवाया और जब से इन्होंने ये अपनी शादी रुकवाई और उसके बाद एजुकेशन ग्रहण किया, उसमें फर्स्ट डिविजन से ज्यादा अंक इन्होंने हासिल किए। महोदय, तो ऐसी जो बालिका है उसको सम्मानित करने में हमें गर्व महसूस होता है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज इस कड़ी में आगे बढ़ेगा और समाज में जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनसे निपटारा पाने में आगे आएगा। बाल विवाह अपने आप में बहुत बड़ी बुराई है और ये एक बालिका को जवान होने से पहले ही एक तरह से बुढ़ा बना देती है, क्योंकि जब उसको जवानी आती है उससे पहले ही उसके ऊपर भार पड़ जाता है ससुराल का। और ये रोशनी बैरवा ने बड़ा काम किया, इसके लिए जोरदार तालियों से दोबारा उनका सम्मान किया जाए। साथी, इस कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब धारा 370 के कतई खिलाफ थे, आप लोग जान सकते हैं। और बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर ऐसा नहीं है दलितों के लिए ही काम किया। जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब चाहते तो संविधान के हर पन्ने पर दलितों की बात लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं किया।
बाबा साहब जो विचार लाते थे वो प्रधानमंत्री तत्कालीन और उनकी कैबिनेट जब उनको पास करती थी, जब संविधान के अंदर वो प्रावधान होता था साथियों, और ऐसी परिस्थिति में भी बाबा साहब ने हमारे संविधान को इतना मजबूत संविधान बनाया कि हम पूरे देश के लोग उसके अंदर पूरी आस्था रखते हैं और हमारा देश एकजुट है और भारतीय संविधान का उदाहरण पूरे दूसरे देशों में भी दिया जाता है साथियों। इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, इसके लिए उनको सम्मानित भी किया गया है। संसदीय सचिव श्री जितेंद्र जी गोठवाल, हमारे महापौर श्री निर्मल जी लाहटा, जिला प्रमुख जयपुर श्री मूलचंद जी मीणा, प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर के मेमोरियल के अध्यक्ष श्री भजनलाल जी रोलन, और मैंने पहले उनका नाम लिया, फिर उसके बाद क्योंकि बेटी अपर्णा थी तो मैंने कहा प्रमुख के नाम से पहले नहीं लूंगी, बाप के नाम से आपका नाम पहले लूंगी, इसलिए अपर्णा रोलन जो जिला परिषद है स्पीकर की, जिला प्रमुख है स्पीकर की, और श्री बी एल बैरवा संयोजक। आज मैं सबसे पहले आप लोग सबको बधाई देना चाहती हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के पूर्व की संध्या पर। पूरे तरह से आदर के साथ उनका सम्मान आप सबके बीच में करना चाहिए। इस कार्यक्रम में इतनी संख्या में आप लोग सब आए हो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई सालों से एक कार्यक्रम होता है, मैंने देखा भी है, मैं आती भी हूं, पर आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं सरकार को और संयोजक साहब को और जो सब लोगों ने इसका आयोजन किया उन लोगों सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज देख के इस सर्किल को, क्योंकि जब भी आती थी लाइट्स तो मंदी होती थी, इतना होता था, छोटा मोटा होता था, माला पहनाया जाता था, दो चार भाषण होते थे और सब लोग अपने घर चले जाते थे, पर आज आप लोगों ने सबने मिलकर यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मुझे खुशी है कि इतनी अच्छी तो लाइट्स दिख रही हैं, आपका ये सर्कल कितना सुंदर दिख रहा है, और पूर्व संध्या के दिन इतना अच्छा एटमोस्फेयर आप लोगों ने सबने बनाने की कोशिश की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अभी बैरवा जी हमको सबको ये बताने की चेष्टा की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कैसा व्यक्तित्व था, कैसी पर्सनैलिटी थी, और अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान का बच्चा बच्चा, राजस्थान के सरकार के सब लोग, और ये खाली राजस्थान की बात नहीं है, आज देश के अंदर एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के नाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ चुका है। लोकप्रियता, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई आप इनके सम्मान करो, परंतु जो उन्होंने काम किए उसकी वजह से लोकप्रियता उनकी बढ़ती रही है, घटी नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जन्म कब लिया 125 वर्ष पहले, धीरे 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 हो सकता है कि लोग भूल भी जाते, परंतु मैं ये देख रही हूं कि 125 वर्ष में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, कहीं घटी नहीं, और ये भी क्योंकि उनके व्यक्तित्व की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपने यहां गिनाने की कोशिश की, परंतु जितना भी कहोगे मैं समझती हूं कि कमी है। सूरज को दीपक दिखाने की बात है, और इसीलिए इस चीज को अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने या तो अध्ययन न किया हो या उसमें जुड़े न हो। संविधान का निर्माण तो किया है महान अर्थशास्त्री, ये भी हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से, कानून की जानकार ये भी हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से, और पर ये सब नहीं, धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान रखना ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी, इन्होंने ये सब भी किया और साथ में फिलॉसफी और धर्म ग्रंथों को भी ध्यान में रखने की कोशिश की।
और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने भारत देश को एक माना, सबको प्यार से रहने की हिदायत दी और जो भेदभाव रहित समाज है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सब लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मानव अधिकार उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं उसको उन्हें सोचने का किया। पत्रकार लेखक अब बताओ और क्या चीजें हैं जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं जो आपको नहीं मालूम या आप हमें बता सकते हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम। एक ऐसा ज्ञानी, एक ऐसा जाना माना व्यक्तित्व है हमारे बाबा साहब अंबेडकर। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक वर्ष पूरा हम सब उनके लिए, एक वर्ष पूरा हम उनको समर्पित करने जा रहे हैं या छोटे मोटे कार्यक्रम हम अपने प्रदेश के अंदर कर रहे हैं या हम अपने देश के अंदर उनको उनका नाम जागरूक रखने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम करते हैं तो वो बहुत छोटा काम है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करने का काम एक इस महान व्यक्ति ने किया। आज कोशिश ये रही कि एक परिवार के अंदर छोटे बड़े उम्र के हिसाब से हो सकते हैं परंतु छुआछूत दूर रहे, सब लोग प्रेम से रहे, एक दूसरे से गलन गले मिलकर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास किस तरीके से कर सके उसको ध्यान में लाने की, आप हम सब के ध्यान में लाने की उन्होंने कोशिश की। संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास किसी भी प्रदेश का या देश का नहीं हो सकता है। मैं भी मानती हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो जीवन की सारी कठिनाइयों का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे थे वो। शिक्षा से हम लोग अगर जुड़ जाते हैं, कितने भी छोटे हो, कितने भी निर्धन हो, अगर सरकार भी मदद करके और सब अपने निवासियों को अगर हम लोग अपने पैर पे खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा क्योंकि शिक्षित समाज वो समाज है जो प्रदेश को और देश को आगे ले जा सकता है। इस अवसर पर मैं इतना ही आज कहना चाहूंगी कि हम सब पूरे लोगों को, सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों उनको आदर्श मानकर, ये नहीं है कि मैं चार आदमियों के ही हैं और दस आदमियों के नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति है जो सबके हैं क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ करके, उस संविधान को खड़ा करके हम सबके लिए कुछ ना कुछ करके दिया। तो ये खाली चार आदमियों के नहीं है, ये हम सब पूरे देश के, प्रदेश के सबके हैं। सब उनका आदर करते हैं और सब उनके लिए उनकी बातों के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर दाद देते हैं और इस चीज को अपने को सबको याद देने की जरूरत है। आज भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी परंतु उसके साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि समाज के अंदर जो बात भेदभाव, छुआछूत ये सब चीजें हैं उनको हम आज, क्योंकि कल उनका दिवस है, आज ही संकल्प लेके यहां से जाएं कि ये कोई भी भेदभाव हम दूसरों के बीच में नहीं रहेगा, ना मजहब का, ना जात का। ये बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर प्यार के साथ हम एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस चीज को मैं हाथ जोड़कर आपके सबके सामने रखती हूँ उस चीज को जोर से हर जगह से, हर फोरम से बाबा साहब अंबेडकर ने बार बार रखा, ये एक परिवार है, इसको प्यार से सींचो तभी हमारा देश और हमारा प्रदेश महान बनेगा। इस चीज के लिए संकल्पित होके आज आप लोग यहां से जाएंगे तो मैं समझूंगी कि एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़ा कदम हमने लिया है। उनके सिद्धांतों पर चलते हमारे देश के विकास के भागीदारी में हम लोगों को अपना भी अपना भी काम लेना पड़ेगा। मैं मानती हूं कि हम लोग सब अगर मिलकर चलेंगे तो हमारा देश कहीं पीछे हट नहीं सकता है। हम इन सब चीजों से गिनना नहीं चाहेंगे, कभी गिनाऊंगी सब पूरी बातें आज नहीं, क्योंकि आज के दिन मैं सबको याद दिलाना ही चाहूंगी कि बहुत महान वट वृक्ष किस्म का व्यक्तित्व यह हमारे सामने रहा है। इसको हम ऐसा छोटा नहीं करेंगे कह के कि वो किसी का है, यह हम सबका है, हम सबके आदर का
एक बहुत बड़ा पात्र है और मैं समझती हूँ कि इनके रस्ते पर अगर हम उनकी बात को समझ के अपने अंदर लेके उन बातों को लाने की अपने जीवन के अंदर कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी बदलेगा और हमारे देश का भी जीवन बदलेगा। मैं आज आप लोगों सबके सामने एक बार और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और मैं यह सबके सामने कहूंगी जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भील। ये हमारे आज के इस कार्यक्रम के दिन प्लीज मेहरबान करके ये संकल्प लेके यहाँ से जाइए। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इस संकल्प को लेके जाएंगे तो राजस्थान को एक बेहतर जगह बनाएंगे, लोग आना चाहेंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे और हमारे प्रदेश को विकास के रास्ते पर मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। इतना कह के आप लोग सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रोलन साहब, आपको, आपकी सोसाइटी को, जितेंद्र आपको, आप सबके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को रखा है और मुझे भी आप लोग सबके साथ शरीक होने का बहुत बड़ा मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबको आभारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्रेम, क्योंकि इसी प्रेम के साथ बन के अगर अपन चलेंगे तो यहाँ बदलाव लाने का काम करेंगे। मैं एक छोटा सा की बात रखना चाहूंगी आपके सामने। मुझे याद है मैंने सबको कहा था और ये मैं बापू, मुरारी बापू के, जब भी आप कभी कार्यक्रम में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्माइल ये फ्री है। तो एक दिन मैंने ये कोशिश की, बापू ने बताया मेरे को भी स्माइल करो तो देखो वो जो आदमी है जो बिल्कुल ही गुस्से में आया है वो भी स्माइल कर देगा। तो उसकी तरफ देखी कि वह स्माइल किया तो पहले उसने इधर उधर देखा, मेरी तरफ कर रहे हैं कि किसी और से कर रहे हैं, तो नहीं आपसे, तो मेरे तरफ देखे फिर यहाँ से यहाँ तक उसका भी स्माइल आया। मैंने कहा इसको देखा तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक को अगर अपन करेंगे, सबको अपने प्रेम में लपेटेंगे तो समझो राजस्थान कितना मजेदार जगह हो जाएगा। कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई झगड़े बर्दाश्त नहीं होंगे, सब लोग प्रेम से अपनी अपनी बात को निपटाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यही रास्ता है हमारे भीमराव जी अम्बेडकर का, बाबा साहब के रास्ते पे चलने का काम लेके, संकल्प लेके आज हम यहाँ से जाएंगे। यही विश्वास के साथ मैं आप सबको फिर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आज की मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। Thank you.
साथियों जिन्होंने धुक्का दे दिया वो नीचे चले जाएं, कृपया प्लीज। हमारे सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि आप थोड़ा जिन्होंने धुक्का दे दिया है वो एक साइड हो जाएं। तब तक सूरत बंद रहेगा, तब तक सूरत बंद रहेगा। इनके